अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे अलीनास कुकिंग यूट्यूब चैनल और आज हम बनाएंगे देगी मतंजन या देगी शाही जर्दा। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ मैंने डाले हैं 4 खजूर यानी खारीक और नमक, और दालचीनी हम इसमें डालेंगे, और 700 ग्राम बासमती राइस को मैंने धोकर रखा था। इसको 80% तक हम पका लेंगे। पकाने के बाद ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टेनर में डाल दिया है। अब यहाँ लिया है मैंने घी, घी को मेल्ट कर लिया। उसी के अंदर हम डालेंगे 1 कप दूध। उसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे शक्कर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर इलायची की पाउडर डाल देंगे, और ये सब डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने लिए है ग्रीन फूड कलर, येलो फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर एंड रेड फूड कलर। ये चारों फूड कलर के अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है पानी के साथ। अब जो हमने चावल को पका कर रखा था वो इसके अंदर हम डाल देंगे। चारों कलर में हम ये 2-2 टेबल स्पून कर चावल हम इसके अंदर मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ दूध, शक्कर, इलायची पाउडर और घी जो डाल कर हमने पकने रखा था इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। बॉईल आने के बाद इसके अंदर हम पके हुए जो चावल है वो मिला देंगे। 5 या 7 मिनट में इसके अंदर अच्छी तरह से बॉईल आ गया था। उसके बाद हमने ये पके हुए जो चावल है उसको मिला दिया है इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो चारों कलर के राइस यानी हमने चावल जो रखे थे वो इसके अंदर हम मिला देंगे। थोड़ा सा इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब ऊपर से हम ये सूखा जो खोबरा है उसका स्लाइस हमने किया है वो डाल देंगे। ब्लैक रेजन्स यानि किशमिश काली बादाम डाल देंगे, ट्रूटी फ्रूटी डाल देंगे। खोया डाल देंगे और इसको हमने कवर कर ढक कर 10 मिनट के लिए दम पर रखना है। दम देने के बाद 10 मिनट के बाद ये देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह। और चावल देखिए किस तरह से इसका एक एक दाना अलग अलग है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।